गाइस मैं भिखारी लग रही हूँ बट हेल्को हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आशिमा सक्सेना। इफ यू न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो ना मैं अभी जा रही थी, मुझे याद है मुझे व्लॉग करना था। सो अभी के लिए ना मैं पहले अपना काम कंप्लीट करके जा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डाउन चल रही थी इसलिए मैंने कुछ काम नहीं किया। सो अभी मेरे को दो वीडियोस बना के देनी है। सो मैं देती हूँ, मतलब प्रमोशनल वाली, तो वो मैंने कर ली है, एक रहती है अभी, और मैं बस आपको वो कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ और समझाती हूँ हम कहाँ चल रहे हैं। सो गाइज, अरे 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 भाई गाइज, दिस इज माई OOTD एंड हम लोग जा रहे हैं मेरे लेजर सेशन के लिए। हर्षित मैं जल जाती हूँ, रिंग लाइट का एक्सपोजर पता नहीं अजीब सा हो रहा है। सो अभी है मेरा सेशन 4 एंड जो कुछ भी अपडेट्स आप लोग कह रहे थे कि उसकी मतलब अपडेट्स आपने दी नहीं, सो अभी मेरा 4th सेशन है। सो चलते हैं, कहाँ है लोकेशन है पंजाबी बाग एंड चलते हैं। और मुझे याद है कि मेरी एक और रील रहती है तो शूट करते हैं फिर चलते हैं, इस चक्कर में लेट हो रहा है। चुके हैं, भूली भूली पहुंच रहे रास्ते में, मतलब लोगों को जेट लैग होता है ना, मुझे स्कूटी लैग ना। सो गाइस हमारा सेशन हो गया है, दर्द हो रही है थोड़ी थोड़ी हो रही है, बाकी डिटेल्स तो मैं आपको घर जाकर दूंगी। सो गाइज आई एम बैक होम एंड अब मैं आप लोगों को अपडेट्स देती हूँ कि कैसा रहा, कुछ इफेक्टिव है भी या नहीं। सो टोटल अभी तक मैंने 4 सेशन लिए, 4 सेटिंग्स एंड सच्ची बताओ देखो, फर्स्ट सेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस थे। उन्होंने खुद ने बोला है कि जितना मतलब कराते रहोगे उतना ही रिजल्ट, और डिपेंड करते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है। मेरी तो काफ़ी मतलब थी, थिक सी, सो मतलब मैं पहले भी रेजर यूज़ करती थी इसलिए मेरी काफ़ी जो हेयर ग्रोथ है वो थिक है। अब जाके वो नॉर्मल सॉफ्ट हो गई है एंड जितनी पहले मेरी 1 मंथ में ग्रोथ होती थी उतनी अब मैंने लास्ट नवंबर में ली थी सेटिंग। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 4 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, और 4 मंथ में जितनी भी मतलब जितनी पहले 1 मंथ में होती थी उतनी अब 4 मंथ में मैंने पूरे विंटर्स मतलब नहीं किया। अब मैं समर्स में जल्दी जल्दी सिटिंग लूँगी तो आई थिंक अभी 4 हो गई है, 8 से 10 सिटिंग में पूरा आई थिंक ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं जो इंस्टा पेज और नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। स्पॉन्सर नहीं है वीडियो बट स्टिल, क्योंकि आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, बाकी आप लोग भी कर सकते हो। क्योंकि और मैंने फुल बॉडी का इसलिए नहीं करा क्योंकि फुल बॉडी का स्टिल मैनेज हो सकता है, अंडर आर्म एरिया है वो थोड़ा अलग होता है और पेनफुल भी वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा वहाँ का ही कराऊँ, फुल बॉडी में नहीं करा रही हूँ। सो ये सही था, मेन अपडेट्स तो यही थे। अभी मैं दोबारा जा रही हूँ बाहर, कुछ मेरे को सामान लेके आना है तो चलते हैं।
सुन लो आप भी। सो गाइस, मैंने वीडियो ऐसे अपनी अभी एडिट ही कर रही थी, सो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्लियर नहीं कर रखा है जितने आप लोगों के क्वेश्चंस थे लेजर के बारे में। सो मैंने क्या करा, अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें से क्वेश्चंस पिक करे जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं, एंड मैं उनका आंसर करूँगी ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। सो सबसे पहला था कि लेज़र जो है ये परमानेंट है या फिर टेम्प्रेरी है। सो पहली चीज़ ये परमानेंट है, अभी मेरे सिर्फ 4 सेशन हुए एंड आई कैन सी द डिफरेंस, मतलब जितनी हेयर ग्रोथ थी वो कम हो गई, और उन्होंने भी यही बोला था धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम होगी और एक टाइम आएगा वो होगी नहीं। सो अभी 4 सेशन हुआ है, आई गेस 10 सेशंस तक लगेंगे। सो एक एक दो दो महीने के गैप में कराते रहूँगी मैं, एंड जब जिस दिन मेरे फाइनल हो जाएगा तब भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। एंड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। सो अभी तक आई गेस 10 सेशंस तक होंगे, वो आपकी हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है। सो ये थी पहली चीज़, एंड आई गेस 10 सेशन में हो जाएगा, जितने में भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगी। जो जो लेज़र वाली वीडियो उसके में मैं कमेंट कर दूँगी, जो कमेंट पिन होगा उसमें। सो पहला क्वेश्चन तो यही था हमारा, लेज़र टेम्प्ररी है या परमानेंट है, कितने सेशंस में होगा ये। दूसरा था कोस्टिंग। गाइस ऑनेस्टली कोस्टिंग का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हर पार्ट्स का अलग अलग है, लाइक 15,000 25,000 फुल बॉडी का अलग, आई गेस 45-50, ये मैं अपने आइडिया से कह रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो आप लोगों को मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी जो कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी है। सो आप लोग उनसे पूछ लेना जो भी आपको डाउट है कि क्या चार्जेस है उन सब का। मैं सिर्फ अंडर आर्म्स का इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पे इतने हेयर विजिबल नहीं है जितने अंडर आर्म एरिया के होते हैं, क्योंकि मेरी बाकी स्किन लाइट है तो फिर हेयर ज़्यादा उसमें मतलब दिखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सिर्फ अंडर आर्म्स का करा रही हूँ। एंड आगे कुछ मैं देखती हूँ फिर। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द लोकेशन, मैंने वीडियो में भी बता दिया आपको, लोकेशन पंजाबी बाग है। पंजाबी बाग में 0 degrees है उसके सामने है, या फिर हेयर मास्टर से उसके साथ में ही है, आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे आप गूगल पे भी डालेंगे तो गूगल मैप पे कायरा क्लिनिक तो भी आ जाएगा, बाय अनीता आर्या तो भी आ जाएगा आपका। और इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है अबाउट एज, कि आप कितनी एज में करा सकते हैं। किसी ने 17 ईयर्स के उन्होंने कमेंट किया, सो आई गेस आपको वैसे तो एज से कोई इशू नहीं है, बट स्टिल मुझे फील होता है अगर आप 18 प्लस हो तो करा लो, क्योंकि 17 तक हमारी स्किन आई गेस स्टिल सेंसिटिव होती है। सो आई गेस मत कराओ और उसके बाद ही करा लो, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है, ये मेरा ओपिनियन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर सेशन के अलग अलग चार्जेस है या नहीं। सो हर सेशन के अलग अलग चार्ज नहीं है, एक बार ही आपको इतना अमाउंट वो बताएंगे ये पैकेज का, उतना आपको पे करना होगा। सो ऐसे हर सेशन के अलग अलग नहीं है, वो पूरा पैकेज होगा आपको प्रोवाइड। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे मतलब स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हटते हैं या नहीं। सो नहीं गए, ये सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ के लिए है, इससे ये भी नहीं होगा कि आपकी स्किन का कलर लाइटन हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, सिर्फ आपके हेयर्स को ये रिमूव करेगा। सो आई गेस अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पढ़े हैं, एंड यही थे मेन क्वेश्चन। लास्ट हमारा था स्टिल इचिंग के लिए क्या यूज करना आफ्टर लेजर। सो एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना है, उन्होंने मुझे कोई सॉफ्टमाइजर रिकमेंड करा है, एंड बहुत ज्यादा थोड़ी इरिटेशन सी होती है एक दो दिन तक लेजर के बाद, सो वो लगा लेना, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज रखना है और कुछ नहीं करना। एंड एक और चीज, जब मैंने फर्स्ट लेजर कराया था तो पेन जो था वो बिल्कुल भी नहीं होता, बट सेकंड थर्ड के बाद वो थोड़ा लेजर को वो करते हैं, हाई करते रहते हैं, सो थोड़ा सा पेन होता है। सो अभी मेरा फोर्थ था तो मुझे पेन हुई लाइक कितनी हल्की हल्की सी, लगा लो ऐसे कोई रब कर रहा हो गर्म हो, कुछ ऐसा सा ज्यादा नहीं हुआ था, बियरेबल था। सो यस दैट्स इट। आप लोगों को स्टिल कोई क्वेश्चन होता है तो आई एम देयर फॉर यू गाइज, आप लोग कमेंट में पूछ लेना एंड मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। आपको स्टिल कोई क्वेरीज रहती है अबाउट प्राइसिंग कुछ भी तो उनसे भी पूछ सकते हैं। सो यस, यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय।